हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन। एक बार आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि इस बार 2019 में मास कम्युनिकेशन का सिलेबस जो है अपडेट हो चुका है, तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप नया सिलेबस उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने जो गूगल का सर्च टैब है उसमें डालना है यूजीसी नेट ऑनलाइन, और फिर उसको आप जैसे ही खोलेंगे यूजीसी नेट ऑनलाइन तो आपको जो पहली जो उनकी जो ऑफिशियल पहला लिंक है उसको ओपन करना है। अब जैसे ही ये ओपन हो जाती है तो आपको देखेगा कि जिसमें जो फ्लैश हो रहा है कि नया जो सिलेबस आपको देखेगा कि अपडेटेड सिलेबस जो उन्होंने डाला है कि पेपर वन में भी अपडेट हुआ है और पेपर टू के अंदर भी अपडेट किया है हर सब्जेक्ट के अंदर। तो अपने जो कोड है 63 तो उसको अपन डाउनलोड कर सकते हैं। आप हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप अपना मास कम्युनिकेशन का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो मास कम्युनिकेशन का सिलेबस इस बार जो आया है, अपनी यूनिट्स तो उतनी है, बराबर ही हैं जितनी पिछले साल थी, मगर जो इन लोगों ने इस बार चेंजेस किए हैं कि तीन जो बदलाव यहाँ पर, जैसे ICT इसमें इंक्लूड कर दिया गया है जो पहले अपना पेपर वन में हुआ करता था इसमें भी है, साथ में फिल्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन एक नया जो टॉपिक है इसमें ऐड किया गया है, और आखिरी में ये कम्युनिकेशन रिसर्च, तीन जो यूनिट्स है उसमें चेंजेस किए गए हैं और एक कुछ नई यूनिट्स इसमें इंक्लूड कर दी गई है। बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक सेम हैं। पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजमेंट पिछले साल तक एक साथ हुआ करता था, इस बार अलग अलग यूनिट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। बाकी देखा जाए तो सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है, कुछ चेंजेस जो किए हैं आखिरी तीन यूनिट्स में किए हैं, बाकी पूरा सिलेबस देखा जाए तो लगभग सिमिलर ही है। तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि इस बार क्या सिलेबस आया है। अगले वीडियो में हम ये डिस्कस आगे एक और टॉपिक्स बनाएंगे कि इस बार जो प्रिपरेशन है कैसे करना चाहिए, क्योंकि जो 2018 में NTA ने जब से नेट का पेपर करना चालू किया है उसके बाद से इसमें काफ़ी बदलाव नज़र आए हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और साथ में रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। तो अगले वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और हम आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपडेट लेने के लिए मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट में। धन्यवाद।